पंचायती राज चुनाव में विजय प्राप्त विभिन्न जिला परिषद मुखिया सरपंच पंचायत समिति वार्ड सदस्य और सभी पंच सदस्यों को मोहम्मद असरारुल हक लाडले जी के आवास पर सदर प्रखंड के सबाजपुर पंचायत के भलुका गांव में सम्मान समारोह में सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को फूल माला टोपी व चादर के साथ सम्मानित किया गया। अकेले जागरण सोसाइटी के सचिव मोहम्मद असरारुल हक लाडले जी के तत्वाधान में व डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम के नेतृत्व में सम्मान समारोह कार्यक्रम की सभा की अध्यक्षता स्थानीय सवासपुर मुखियापति मोहम्मद शब्बानी ने किया। मंच का संचालन डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने किया। सभा में सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भाषण के दौरान अपने अनुभव और विचार व्यक्त किए। सम्मान समारोह में सम्मानित हुए प्रतिनिधियों में सदर प्रखंड के जिला परिषद मोहम्मद जलालुद्दीन साहब, बिजली पंचायत के सरपंच हाफिज नसीर अहमद साहब, देवराम अमेठी पंचायत के मुखियापति सहअधिवक्ता फिरोज अहमद, सवासपुर पंचायत के मुखियापति मोहम्मद शब्बानी, सरपंच मोहम्मद मुमताज, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 6 से निजामुद्दीन पप्पू, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 7 से पप्पू कुमार पासवान, वार्ड सदस्य मोहम्मद आजम, पंच सदस्य मोहम्मद मुस्तफा, वार्ड सदस्य ललित पासवान, अवधेश कुमार यादव, मुन्ना दास, अमर मांझी, अब्दुल वहीद आजम, कृष्णा, जलवार पंचायत के सरपंच शिव नारायण ठाकुर, वार्ड सदस्य ललित झा, शीशो पश्चिमी पंचायत के मुखिया अजय कुमार ठाकुर, सरपंच मोहम्मद मतलूब उर्फ अरमान, पंचायत समिति उदय कुमार सहनी, शीशो पूर्वी पंचायत के मुखिया बजरंग बली दास, सरपंच राम बाबू दास, पंचायत समिति शंभू कुमार साहू, वार्ड सदस्य रंजीत दास, लोहा पंचायत के मुखिया मोहम्मद अकील फैजी, सरपंच फैज अहमद इत्यादि को सम्मानित किया गया। सांसद है तो कल वो मंत्री बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए ये मेरा उद्देश्य था और आप तमाम लोग जो इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आए, एक बार फिर मैं और अपने परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच बहुत सारे पंच भी हैं, पंच सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, उन तमाम लोगों को भी बोलना है और मैं चाहूंगा कि आगे भी ये कार्यक्रम करूंगा और मैं आप तमाम लोगों से वादा करता हूं और आप तमाम लोगों के सहयोग भी लूंगा कि जब पंचायती राज चुनाव का सारा रिजल्ट आ जाएगा तो एक प्रमंडलीय स्तर पर मैं कार्यक्रम करूंगा, क्योंकि मैंने चुनाव भी लड़ा है प्रमंडलीय स्तर पर और मेरा दायित्व रहा है कि प्रमंडल के जितने भी मुखिया हैं, जितने भी सरपंच हैं, जितने भी जिला परिषद हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर बैठाकर यह बताने का प्रयास करूं कि समाज की जो अंतिम पंक्ति होती है वह पंचायती राज होकर ही गुजरती है। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच बहुत सब सारे वक्ताओं को बोलना है और बोलना था और अभी सम्मान समारोह भी कार्यक्रम हो रहा है। इस बीच हमारे बीच हमारे गार्जियन, हमारे पिताकुल, जब से मैंने इनको जाना है। ये देखिए, उद्देश्य कुछ भी नहीं था, उद्देश्य यही था कि समाज के जितने भी पंचायती राज का जो चुनाव होता है, चुनाव में बहुत सारे लोग विजय होते हैं, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, और वो लोग आपस में एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर, क्योंकि सभी लोगों का एक ही मोटिव होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि समाज का विकास कैसे हो, अंतिम पंक्ति की जो बात होती है वो बात जो है धरातल पे कैसे उड़े, हर जरूरतमंदों का जो है विकास कैसे हो, इसी के उद्देश्य के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था कि तमाम लोग जो है इसमें शरीक हों, जो लोग नवनिर्वाचित हुए। और मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम मुखियाओं को, तमाम सरपंचों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को। कितने प्रखंडों से यहाँ पे लोग जो जनप्रतिनिधि, विभिन्न प्रखंडों के मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ, आप अपने कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं कि विभिन्न प्रखंडों के जिला परिषद और पंचायत समिति सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच और पंचायत समिति आए हैं और अभी इन तमाम लोगों को छोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।